हेलो फ्रेंड, तो आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है यूट्यूब फैमिली पर। यूट्यूब मैं भी उनकी सब्सक्राइबर रही हूँ, द रोड फैमिली की। तो उनके दो डॉग पर, मतलब उनके तीन चैनल थे, स्नैपी गर्ल्स, द रोड और द रोड फैमिली। तो तीनों चैनल के जो ऑनर थे राजवीर भैया, उनका कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार के साथ जैसा हुआ भगवान किसी के साथ ना करे। क्योंकि अभी कोविड के टाइम उनके बड़े भाई सूरज चले गए थे, फिर सूरज की पत्नी जो थी वो मात्र 22 साल की थी, और सूरज भैया कोविड में चले गए थे कोविड से। तो उनकी एक बेटी थी जो केवल 5 या 6 महीने की थी उस समय कोविड के टाइम, तो उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने 1 साल बाद राजवीर भैया से शादी की, घर वालों ने उनके किया, और अब उनकी भी, वो भी दुनिया से चले गए हैं। और उनकी राजवीर भैया की भी एक बेटी अभी हुई थी थोड़े दिन की, वो भी अभी 1 साल की नहीं हुई, उसका फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाए हैं लोग। तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही शॉक्ड न्यूज़ है। जब ये कल हुई है, मथुरा में इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये इनका गांव जो है मथुरा का था, और ये शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले थे। तो अपने गांव गए हुए थे, वहां से लौटते समय एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जैसा कि सारे चैनलों पे दिख रहा है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है। तो हमसे भी रहा नहीं गया, किसी के दुख में दुखी हैं। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब से हम भी रिलेटेड हैं, तो हमारा थोड़ा सा ये है कि उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये वीडियो उनको समर्पित है। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स की तरफ से उनको पूर्ण श्रद्धांजलि, और हमारी तरफ से भी। तो उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी पत्नी को कुछ सहने की क्षमता दे। वैसे अब उनके परिवार में केवल मम्मी पापा और एक उनकी सिस्टर बच्ची हैं बस, और जो एक दो डॉगी थे ऑगी और द रूट नाम से जो था जेरी, वो हैं, वो बहुत ही उदास हैं। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया है, और उनके भी आईज से आंसू आ रहे हैं। तो ये इतने वीडियो में देख देख के आज दिमाग बहुत ही परेशान रहा, और हमारा तो बिल्कुल कुछ मन नहीं किया। सच बताएं तो शाम से जब से मैंने सुना है तब से, मतलब ये अमर उजाला में भी निकला था, बट हमने अमर उजाला बाद में देखा, जब इस पर सारी न्यूज़ आने लगी तब अमर उजाला में भी देखा हमने, तो ये न्यूज़ सामने आई। और पहले लगा झूठ है, फेक न्यूज़ है, बट उनके परिवार की तरफ से बताया गया नहीं ये सच है। तो आप क्या ही बताएं, भगवान उनके परिवार को सहने की क्षमता दें, बहुत ही बुरा हुआ है। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करें। जय श्री राम, ओम शांति। उनकी फैमिली को भगवान हिम्मत दें।